हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ रॉक शाउटर। आई एम हर्षिता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ कि स्टोन आर्ट के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी हम मीडियम के ऊपर काम करने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ हम काम कर रहे हैं स्टोन पे, तो उसके ऊपर जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए या आप उस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और आपके बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोन आर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्टोन की, कि स्टोन कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, स्टोन हमें कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वर्क हो रहे हैं, जहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पर हमें स्टोन मिल सकता है। या दूसरी चीज़ कि हमें आसपास की, हमारे जो एक्वेरियम है, हमारे जो लोकेलिटी में एक्वेरियम है, हमें वहाँ से भी स्टोन मिल सकता है। तो दोस्तों, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोन के ऊपर कौन से कलर यूज़ करने चाहिए। स्टोन के ऊपर हमेशा एक्रेलिक कलर यूज़ करने चाहिए। एक्रेलिक कलर हमें किसी भी स्टेशनरी स्टोर में अवेलेबल है, और ये कई फॉर्म्स में आता है। ट्यूब्स के फॉर्म में भी आता है, जार के फॉर्म में भी आता है, प्लास्टिक बॉटल के भी फॉर्म में आता है, और इंक बॉटल के भी फॉर्म में आता है, और लगभग ये आपको हर स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्रेलिक कलर का एक 6 कलर का एक बॉक्स भी आता है, जो आपको 100 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। आप उसको बाय कर सकते हैं और अपने स्टोन आर्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दोस्तों, स्टोन आर्ट के लिए ब्रश कौन से यूज़ करें। स्टोन आर्ट के लिए आपको पॉइंटेड ब्रश यूज़ करने रहते हैं, पॉइंटेड राउंड ब्रश, जो आपको स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगा। आप इस तरह के पॉइंटेड ब्रश, जो कैमल के हैं, ये 00, 000, 000 नंबर वाले ब्रश, क्योंकि सरफेस छोटा होता है, तो ये पॉइंटेड ब्रश के थ्रू ही हम काम करते हैं। तो स्टोन आर्ट के लिए आपको पॉइंटेड ब्रश का यूज़ करना है। तो दोस्तों, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोन पर हम 3D वर्क कैसे करते हैं। 3D वर्क करने के लिए हम क्ले का यूज़ करते हैं। क्ले हमें किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे अवेलेबल है। आप ये 40 रुपीज़ का एक बॉक्स आता है फेविक्रिल शिल्पकार का, जो आपके स्टेशनरी स्टोर में अवेलेबल है। आप उसको खरीद के स्टोन पर 3D वर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।